हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने प्यारे YouTube चैनल में होम गार्डनिंग में। और आज हम बात करने वाले हैं फाइकस की ही एक और वैरायटी के बारे में, जिसका नाम है फाइकस माइक्रोकार्पा। ये आप जो देख रहे हैं, ये फाइकस माइक्रोकार्पा के पौधा है। और अब देखिए, बिल्कुल इसकी पत्तियां बहुत ज़्यादा अच्छे से चमकीली होती हैं। और लेकिन इसकी खूबसूरती ये है कि इसकी पत्तियां काफ़ी छोटी छोटी सी होती हैं, जिस तरह से फाइकस बेंजामिना और जो टाइगर बार्क और फाइकस पांडा होता है उसमें पत्तियां काफ़ी बड़ी होती हैं, लेकिन इसकी जो पत्तियां हैं वो काफ़ी छोटी छोटी सी पत्तियां होती हैं। तो जिस तरह से मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमने जो फाइकस का ही एक वेराइटी है टाइगर बार्क, उसमें हमने जिस तरह से किया था, उसी तरह से इसका भी हम तना जो है इसका पूरा ही मिट्टी से भर लेंगे, ताकि इसमें क्या है कि जो एरियल रूट्स निकलती हैं तो एरियल रूट्स से इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है काफ़ी। और जो टाइगर बार्क की वैरायटी है उसका जो जिस तरह से एडेनियम में कोडेक बनता है, उस तरह से उसका कोडेक बन जाता है, मोटा हो जाता है, और इसका भी तना मोटा हो जाता है। लेकिन इसके साथ एक खूबसूरती इसकी ये है, जिस तरह से जो बानियन ट्री होता है, जो बरगद का पेड़ होता है, उसी तरह से इसमें एरियल रूट्स निकलती हैं और ऊपर से एरियल रूट्स निकलती हैं और वो जाके मिट्टी में दब जाती हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत पुराना बड़ा पेड़ हो, उस तरह से ये वो पेड़ दिखने लग जाता है। तो इस वजह से हम इसको भी अच्छे से ये तना जो है इसका पूरा वो मिट्टी में दबा देते हैं। और ये सिर्फ अभी इसकी स्टार्टिंग है, जब हम इसको बोनसाई बनाने के लिए तैयार करते हैं तब की ये तैयारी मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ तक हमने इसको मिट्टी से पूरा भर लिया है। और अब बात आती है इसकी वायरिंग के बारे में। तो वायरिंग के लिए आप कोई सा भी तार ले सकते हैं, तार आपके पास ये आपको हार्डवेयर की शॉप में मिल जाएगा तार, इस तरह का वायर ले लीजिए। और वायर लेने के बाद में हमें करना क्या है कि इसकी जो ब्रांचेस हैं ये वैसे आसानी से टूटती नहीं, क्योंकि काफ़ी जो फाइकस का प्लांट है इसकी खासियत ये होती है कि इसकी जो ब्रांचेस हैं काफ़ी लचीली होती है, आप जिस तरह से चाहें उस तरह से इसको शेप दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले वायरिंग का कर लेते हैं। ये मैंने देखिए लगभग 2 फीट का यानी कि 24 इंच का वायर ले लिया है। और इससे इसके लिए सबसे पहले हम इसका जो तना है इसको अच्छे से इस तरह से हमें टाइटली इसको लगा देना है, और उसके बाद में धीरे धीरे जो इसकी जो ब्रांचेज हैं उनको भी हमें उस पर भी इस तरह से इसको लपेटते चले जाना है वायर को। इस तरह से धीरे धीरे हम पूरे ही जो इसकी जो ब्रांचेस हैं उनको पूरा ही इस तरह से वायर से पूरा लपेट लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें इसको लपेटते चले जाना है वायर से। ये एक तरफ से हमने लपेट लिया, अब जब ये दूसरी तरफ से बात करते हैं, ये वाली जो ब्रांच है इसको भी हम इसी तरह से लपेट लेते हैं। अब इसको हमें थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि इस ये वाली जो ब्रांच है वो काफ़ी पतली है, तो इस वजह से हमें ध्यान रखना पड़ेगा काफ़ी। और हम इस पर बहुत ही सावधानी से इसकी वायरिंग करेंगे। वायरिंग करने का मतलब ये है कि ये जो ब्रांच है जिस तरह से इसको शेप देंगे तो उसके सपोर्ट के लिए वायरिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने हमारे वायर को यहाँ पर इस पर लपेट लिया है। वायर लपेट लेने के बाद में अब हम जिस तरह से इसको शेप देना चाहेंगे उस तरह से इसको शेप दे सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने इसको इस तरह से झुका दिया है, और जब ये थोड़ा सा प्लांट मैच्योर हो जाएगा और इसको जब हम जो इसका बोनसाई ट्रे होती है, बोनसाई जो इसका पोट होता है उसके अंदर जब हम शिफ्ट करेंगे, तब हम इसको यहाँ से कट करके इस पर न्यू ब्रांचेज इसमें से डेवलप करेंगे, जो कि इस तरह से जो लगेगा जैसे कि एक पेड़ झुका हुआ है और उसकी ब्रांचेज जो उसकी जो एरियल रूट्स हैं वो निकल के मिट्टी में जा रही हैं। इस तरह से ये हमें तैयारी करनी है। ये हमने वायरिंग कर दी है इस पर, हमारे जो फाइकस का प्लांट है इस पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।